मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण क्षेत्र लगभग 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 68 वर्ग किलोमीटर में चीता परियोजना के तहत तार का बाड़ा बनाने के लिए गड्ढों का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस परियोजना के लिए तार का बाड़ा कुछ ग्रामों के आसपास से होकर बनाया जा रहा है। इसको लेकर नीमच जिले की तहसील रामपुरा के समीप के ग्राम राहुल कुंडी व आसपास के ग्रामीणों ने इस परियोजना के लिए खोदे गए गड्ढों का विरोध किया है। मौके पर विभाग के अधिकारी पहुंचे, साथ ही बीजेपी व कांग्रेस के नेतागण भी विरोध स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले गांव के लोगों से बात की, फिर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने चर्चा के बाद वन विभाग के अधिकारी से बात की, किसने क्या इस चीता परियोजना के तहत तार का बाड़े के लिए कहा, आइए सुनते हैं। आज जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों का विरोध किस बात के लिए है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वन विभाग कामला आता है और मशीनें लेकर के यहाँ खंभे गाड़ते हैं। खंभे गाड़ने का मकसद ये है कि वो तार फेंसिंग करेंगे। उसके पीछे ये योजना बताते हैं कि सरकार की मंशा है कि अभ्यारण के लिए जमीनों को सुरक्षित करना, जानवरों की जगह सुरक्षित करना है। कितने जानवर, कितने चीते, शेर, भालू जो भी लाना होंगे ले आएंगे, वो संख्या होगी 8, 10, 12, 15। सैकड़ों हजारों मवेशी यहाँ पर ग्रामीणों के बरसों से इस भूमि पर चरते और अपना पेट भरते रहे हैं, खास करके गोमाता, जिससे हमको दूध की आपूर्ति होती है। इन लोगों का जीवन यापन चलता है, कई परिवार, सैकड़ों परिवार इस धंधे पर जीवित हैं। तो हम 2, 4, 5, 10 चीतों के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये सरकार को सोचना जरूर चाहिए। और इनका विरोध जो है वो जायज है। वो जायज सिर्फ इसलिए है कि अगर आप कोई काम बगैर नीति नियम के करोगे, जिसकी आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, बिना कार्य योजना के लिए जहाँ से मर्जी पड़े उठ जाओ और काम चालू कर दो। थोड़ा सा आगे जा कर के एक सिंगल रोड है, यहाँ आप देख रहे हैं, डबल चौड़ा, दुगना चौड़ाई का रोड है। उसका सीधा कारण ये बताते हैं कि वहाँ से वन विभाग की सीमा चालू होती है, जहाँ से इनने स्पीड ब्रेकर बनाना शुरू की कि ये वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ से आप रोड हमारी अनुमति के बगैर नहीं बनाएंगे। तो ये ज़मीन आपकी कैसे हो गई, एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे सीधे तकनीकी तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिस ज़मीन को बरसों पहले इनने अपना वहाँ से माना, यहाँ से 100, 200, 500 मीटर आगे जाकर के, तो ये पीछे 500 मीटर जाकर के निर्माण कैसे करने लग गए? जब आपके पास सीमांकन नहीं है, विधिवत जानकारी नहीं है, तो आप हर किसी ज़मीन को अपना जो है वन विभाग की ज़मीन बता करके उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। ये अतिक्रमण है, वन विभाग शासन की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है और सरकार सोई हुई है। सरकार को जागना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि वो सारी व्यवस्थाएं चल जावे, जिस ज़मीनों के माध्यम से वो अपने धन्ना सेठ जो बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, उनके लिए ज़मीनें सुरक्षित की जा रही, किसी चीते के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए नहीं। इंसानों को हटाओ, उद्योगपतियों को बिठाओ, ये व्यवस्था चल रही है, उसके खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और इन ग्रामीणों के साथ खड़ा है, हम अन्याय नहीं होने देंगे, बराबर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभ्यारण्य के नाम पे या अभ्यारण्य की सीमा की वृद्धि करने के नाम पे ये जो वन विभाग ने जो है नवीन सीमा कायम करने की कोशिश करी है। अभ्यारण्य का अपना एक नियम होता है कि इसका नोटिफिकेशन होता है और नोटिफिकेशन करने के बाद में उसका जो इको सेंसिटिव जोन होता है, इको सेंसिटिव जोन को जो है उस जोन में जो है उसके पहले जो है इनको ग्राम सभा की मीटिंग करना होती है, जो प्रभावित लोग हैं उनकी मीटिंग करना रहती है, उनके पब्लिक हीयरिंग करना रहती है, उनको सुनना होता है और दावे आपत्ति लेना होती है। इस तरह से दादागिरी से मशीनें लेके आ गए और अगर लेके आ गए और बाउंड्री कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी स्थिति में आसपास के जो मवेशी हैं या ये कहें कि जो दुग्ध व्यापार का जो व्यवसाय का जो काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन पर जो आज आसन्न संकट उत्पन्न होने की स्थिति हो गई है। और हम जो है अगर इस तरह से अगर वन विभाग ने या प्रशासन ने अगर इस तरह से दादागिरी करी, तो ये मान के चलें कि प्रशासन की जो है, चाहे हमको किसी भी स्तर से लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे हमको उग्र आंदोलन क्यों ना करना पड़े, पर हम जो है ग्रामीणजनों के साथ खड़े हैं और किसी भी कीमत पर, बिना सीमांकन के, बिना नोटिफिकेशन के, किसी कीमत पर जो है इनको हम जो यहाँ सीमा कायम करने नहीं देंगे। जब तक कि सीमांकन नहीं होता, उसके बाद ही जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरे ओर जो गौ माता और अन्य मवेशी हैं और उनके जो पालने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हो आप? हमारा चीते के अभ्यारण से कोई विरोध नहीं है, चीते का अभ्यारण बने, पर एक और जब आप कहते हो कि ये अभ्यारण बनेगा और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार आपने देख लिया अभी, वो जो जितने भी काम चल रहे हैं खिमला में, वहाँ पर एक अभी कल आपकी भी बात हुई कि 50 किलोमीटर से दूर के लोगों को वो रोजगार देने की बात करते हैं। एक ओर आप इनका रोजगार छीन रहे हो, दूसरी ओर आप इनको रोजगार नहीं दे रहे हो, और आप इन मवेशियों की चिंता कर, चीते की चिंता करोगे कि गौ माता की चिंता करोगे आप? वहाँ आपने, आप जो लोग स्लॉटर हाउस बना दिया था रामपुरा में, नगर पंचायत के खिलाफ जाके मैंने बात करी थी,
और वहाँ पर भी आपने गौ माताओं को मरने के लिए छोड़ दिया था, तो क्या आपकी क्या क्या प्लानिंग क्या है आपकी? आप एक षड्यंत्र कर रहे हो उन लोगों के लिए, अपने मित्रों को जमीन आवंटन करने के लिए आप ये सारे धांधलियाँ कर रहे हो, और ये धांधलियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सरपंच साहब को धमकी देते हो, फॉरेस्ट के लोग आ गए हैं धमकी दे रहे हैं उनको, हम उनके साथ उनको मुकदमा बनाएंगे, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और ये गांव वालों को ये नहीं समझे कि ये 100-150-200 लोग हैं, पूरी मनासा विधानसभा इनके साथ में है, और यहाँ पर हम इनके साथ ईंट से ईंट बजा देंगे, और ये इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लोग बोलिए सर बोलिए। ये गौ माता की बात करते हैं और ये गौ माता के विपरीत ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और शिवपुरी में जब चीते मर गए तो वहाँ व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर यहाँ लाए, यहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो फिर मनासे के पास लाएंगे। इनको गौ माता की चिंता नहीं है, इनको जो बाहर से चीते रहे दक्षिण कनाडा से उनकी ज़्यादा चिंता है। और ये कौन सा खेल कर रहे हैं किसानों के साथ? जब चुनाव आते हैं तो ये किसानों की बात करते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता है, माई बाप हैं, और आज किसानों के साथ ही इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों से भी कहता हूँ कि आप एक इंसान हैं, और जो भी पत्रकार है ये भी सुन ले, ये आज जो गौ माता है आज ये जो यहाँ माहौल बना हुआ है, क्या वजह है और क्या कारण है? मेरा ये कहना है कि फॉरेस्ट के 4-5 गांव के लोग यहाँ हैं, जो पहले सीमा थी फॉरेस्ट की, उस सीमा से उल्लंघन करके वो यहाँ पे जाली लगा रहे हैं। गाँव वासी का ये कहना है कि जब तक हमको चरनोई की ज़मीन नहीं मिले, हमारी गाय भैंसे कहाँ जाएगी? वो उन लोगों को ज़मीन मिल जाए, क्योंकि जब गाय भैंसे खा नहीं पाएगी, पेयजल की व्यवस्था नहीं पाएगी, तो किसानों के साथ और जो गाय पशुपालक है उनकी स्थिति क्या होगी? बहुत दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि जब चारा नहीं मिलेगा गाय को तो पशुपालक क्या करेगा? क्योंकि ये क्षेत्र जो पठार क्षेत्र है ये पशुपालक उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है किसान, क्योंकि उनका दूध भिन्न भिन्न गाँव में और क्षेत्रों में जाता है गाँव से। तो मेरा कहना है कि अभी हमारी बात हुई है सोनी से, रेंजर से, कि हमने कहा, वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू से हमारी बात हुई है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, एसडीओ रेवेन्यू से हमारी बात हुई। तो मेरा कहना है कि एक बार पूरे गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के जो मेन आदमी है, उनके साथ बैठकर उनकी जो गायों के चारे की व्यवस्था वो रेवेन्यू कर दे, चारों पाँचों गाँव में वो कर देंगे तो सब राजी हैं। वो चाहते हैं कि फिर आप अपना सीमांकन करें जी। सर चित्ता प्रोजेक्ट से तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको तकलीफ इस बात की है कि हमारे जो ग्राम चैनपुरिया रावलीकुड़ी बूझ बस्सी जूनापाणी खेमला और जितने भी ये जो गांव है, 5 पंचायत है, 5 पंचायत में कम से कम 1 लाख गाय है हमारी, और हम पशुपालन का धंधे पे सब डिपेंड है यहाँ पे, तो हमारी जीविका उन पे ही चलती है, पशुपालन पे, और उन गाय का पेट, गाय हमारा पेट भरती है, हम गाय का पेट भरते हैं। तो आज हमारी 1 लाख गाय के ऊपर तो संकट आ जाएगा ना, चिता प्रोडक्ट से जंगल ही नहीं बचा, हम उनको कहाँ चराने ले जाएंगे? और इन्होंने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी ना, हम ग्रामवासियों को इन्होंने ये सूचित करा कि हम ये कर रहे हैं, पहले हमको कोई अनुमति नहीं करा इन्होंने कि हम चिता प्रोडक्ट बन रहा है, ये है ये, और इन्होंने डायरेक्ट चिता प्रोडक्ट मतलब घोषित कर दिया। तो आज हमारे जीव पे, हमारे जीविका पे संकट आ गया, हमारी गायों के ऊपर संकट आ गया, और झूठे झूठे प्रकरणों में फंसाते हैं। पहले भी कई ऐसे प्रकरण हैं जिन्हों में हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो सर्विस लायक है, उनको झूठे प्रकरण में फंसाया इन लोगों ने, खुद नहीं खुद की गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारे, और लड़कों को वहाँ पर जाके रामपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, और अभी भी ये एसडीओ और रेंजर साहब धमकी दे रहे हैं कि हम आपको फंसा देंगे, हम फोर्स बुला देंगे, हम आपके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी से काम ले रहे हैं। हमको तो हमारा समाधान चाहिए बस, उसके बाद में ये इनका प्रोजेक्ट बनावे, कोई हमको परेशानी नहीं। क्या नाम आपका? लक्ष्मण गुजर, उप सरपंच चैनपुरिया। बारी सर जी चीता प्रोजेक्ट के लिए कि ये चीता प्रोजेक्ट आया है, तो हम भी चाह रहे हैं कि चीता प्रोजेक्ट बने, पर जहाँ पहले अभ्यारण्य है उसी जगह चीता प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये जो अभी चीता प्रोजेक्ट की जो ये लोग जाली लगा रहे हैं, तो ये जाली, ये एरिया है ना, ये गांधी सागर का नहीं है, ये रामपुरा रेंज का है,
तो रामपुरा रेंज में ले लिया इन्होंने, और ये यहाँ भी आके खुली तरह से दादागिरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ भी हम बनाएंगे। तो हम इनसे कोई विरोध झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं इन लोगों से कि जहाँ पे ये अभ्यारण था वहाँ तक जाली बनाई जाए, और ये अभी हमारे लिए जो मवेशी है, हमारे गाँव के मवेशी बूझ के हैं, चैनपुरिया के हैं, जुन्ना पानी के हैं, बस्सी के हैं, तो हमारे मवेशी कहाँ जाएंगे? चीता को ला रहे हैं ये लोग, और कम से कम लगभग 7,000 लोगों को गला काटा जा रहा है इन्होंने, और गौवेशी के भी गले काटे जा रहे हैं, और ये लोग चीता पोजट ला रहे हैं यहाँ पे। चीता पोजट लाए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, पर चीता पोजट वहाँ बनाया जाए जहाँ तक कि पहले अभ्यारण था उसी जगह, और हम ये इनको रोकने के लिए बोल रहे हैं तो ये खुली दादागिरी कर रहे हैं, हम तो नहीं रुकेंगे। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें आप लोगों की ग्रामीणों की सहमति ली कि नहीं ली? नहीं ली, हमारी कोई सहमति नहीं ली, ना हमारी कोई मीटिंग ली गई है, इनके मर्जी से बना रहे हैं सर ये। तो अभी तक आपको कुछ यहाँ से कुछ वो मिला कि नहीं मिला कि भाई हम आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं? कुछ नहीं बोला अभी हमको कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ ग्रामवासियों के लिए इन्होंने कुछ औकात नहीं दिए। वन विभाग का तो कहना है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अशोक गुजर गाँव बूज सरपंच। आज आप लोगों ने जो चक्का जाम कर रखा है यहाँ पर, क्या वजह है? हम चक्का जाम नहीं कर रहे सर, हम तो ये आज गांधी सर अभ्यारण वाले हैं ना, इन्हें जो है हमारे तार फेंसिंग काम चालू कर रखा है, तो तार फेंसिंग को लेकर हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि सर हमारा भी समाधान होना चाहिए। हमारे गांव में 15-20 हज़ार मवेशी पशुपालक लोग हैं हम, तो हमारा समाधान होना चाहिए। हम चीता अभ्यारण बना रहे हैं, हम चीता अभ्यारण के खिलाफ नहीं है, हम इस चक्कर में हमारा भी समाधान होना चाहिए। हम पशुपालक हैं, हमारे भी गाय भैंस चलाने का जंगल चाहिए, तो हम पशुपालकों के हित चाहिए, ये मांग करने के लिए हम अधीक्षक महोदय से बात करने के लिए आए थे। आपने बात करी उनसे? अधीक्षक बात करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? नहीं बोले, हम बात नहीं करते। तो मतलब मवेशी के लिए क्या कोई जगह नहीं दे रहे? नहीं, जगह नहीं दे रहे, जगह मना कर रहे, वो जगह नहीं है, हम थोड़ी बहुत देंगे, मना कर, रामपुर रेंज में जाओ, जबकि ये चीता अभ्यारण की जो है ये गांधीसर अभ्यारण ये मंदसौर जिले में आता है, आदि अभ्यारण मंदसौर जिले में आती है, आदि नीमच जिले की, तो चीता अभ्यारण बनना उधर थी नावली पठार पे, और मंदसौर जिले बनना थी, इनने इधर जबरदस्त इस क्षेत्र में बनाई, इससे बनाई तो भी हम इस बात से खुश हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चीता अभ्यारण रामपुरा पठार से उधर जहाँ अभ्यारण की सीमा चैनपुरिया ग्राम से 2 किलोमीटर आगे वहाँ से सीमा है, जो अभ्यारण की सीमा है वहाँ से बनना चाहिए। वहाँ तो नहीं बनाते हुए ये रामपुरा क्षेत्र में जो लेकर जूना पानी बस्सी की बावड़ी ये यहाँ तक बूझ खेमला यहाँ तक ये सीमा ले बढ़ाकर, जबकि हमको कॉपरेटर ने किया पूछा तक नहीं कि हम सीमा बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, बढ़ा के और फट मशीन चालू करके, और जब हमारा पालन हमारा क्या होगा पशुपालकों के लिए? भाई उनने तो कह दिया कि हम नहीं हटाएंगे, मतलब जगह नहीं दे रहे, उन्होंने साफ कहा आपसे, अब आप क्या करो? हम मरना मारने उतर हो रहे हैं, कैसे हमको मरना, हमारा बंदूक चला दो, हमारा गोली चला दो, हम मरने को तैयार हैं, कहाँ जाए हम कहाँ पशु वाले कहाँ जाएंगे सर? पशु वालों को मार दो, जानवरों को। सर आज यहाँ लोग धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए यहाँ पे चीता प्रोजेक्ट का काम चल रहा है अभ्यारण गांधी सागर पे, और चीता प्रोजेक्ट के लिए हमको यहाँ पे फेंसिंग करने का निर्देश दिए गए हैं, तो वही काम चल रहा है यहाँ पे गड्ढे खोद के फेंसिंग करने वाले, तो उसी के उसमें विरोध में लोगों ने यहाँ धरना दिया। सर अभ्यारण क्षेत्र तो यहाँ से काफ़ी दूर है, क्योंकि वन विभाग की जमीन में थे, तो यहाँ पे कैसे गड्ढे करें? अभ्यारण में तो अभ्यारण में होना चाहिए। नहीं, अभ्यारण वन विभाग में ही आता है, वन विभाग के अंदर ही अभ्यारण है, और इसको वन विभाग नोटिफिकेशन, अभ्यारण अलग होता है सर? नहीं, वन विभाग के नोटिफिकेशन से ही इस एरिया को भी अभ्यारण में लिया जा रहा है। सर, फिर आपने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर के ऊपर वन विभाग का आपने अभ्यारण का बोर्ड लगा रखा है, और इधर क्यों नहीं लगाया फिर सर? अब वो धीरे धीरे प्रक्रिया में है, वो चीज़ नोटिफिकेशन होगा, उसके नोटिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद बोर्ड लगेंगे, सब लगेंगे। अभी यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी आए हैं जी, उन्होंने आपको ये चीज़ें बंद करने के लिए क्या है जी? उन्होंने, हाँ, गांव वालों के इसमें जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने निवेदन किया है कि आप थोड़े दिन काम रोक दें जब तक गांव वाले सहमत नहीं हैं, तो उनके ठीक है बात का स्वीकार करते हुए हम अपने अभी दूसरे क्षेत्र से काम चालू करेंगे। आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जैसे हमको ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलेंगे हम उसमें काम करेंगे, और अभी अब मशीन को हम दूसरे क्षेत्र में काम चालू करवाएंगे। सर आपका नाम? अंकित सोनी। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सर गांव वालों का सहमति नहीं ली गई और अचानक काम शुरू कर दिया? नहीं, अचानक काम शुरू करना गलत होगा कहना, क्योंकि गांव वालों के साथ बैठक ली गई थी। सर ग्रामीणों का कहना है कि हमारा सारा व्यवसाय पशुपालन के ऊपर ही, और सारा काम हम उसी से चलते हैं, हमारा रोजगार उसी से, अगर ये जाली लग जाती है तो उनके पशुओं का चलेंगे, तो इसके लिए वन विभाग ने कोई जगह चिन्हित करी उनके लिए? जी बिल्कुल करी है, हमने कुछ कंपार्टमेंट अपने छोड़े हुए हैं, और
और रेवेन्यू की ज़मीन में भी हमने कुछ बात करी है वरिष्ठ अधिकारियों से, उनके लिए चारा का और तालाब वगैरह की व्यवस्था करने की बात करी है। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इसाक की रिपोर्ट।